वेलकम टू द चैनल डाइट द वे ऑफ लाइफ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द की जो सर्दियां आते के साथ ही शुरू हो जाते हैं और हम उनसे परेशान रहते हैं। परेशानी इस बात की भी तो होती है कि दर्द बहुत है जो बहुत मुश्किल हो जाती है, उससे आप डे टू डे आपकी एक्टिविटीज अफेक्ट होती हैं। साथ में डर लगता है कि इतनी पेन किलर खाएं और उसका कहीं साइड इफेक्ट किडनी या अदर ऑर्गन पे ना पड़ जाए। सो आप यहाँ आज जान के खुश होंगे कि हम कुछ आज ऐसी रेमेडीज बताएंगे जो कि नेचुरल हैं, इफेक्टिव हैं और बस आपकी छत के नीचे है, जरूरत है उस पर्टिकुलर जगह पे जाने की। विंटर्स चैलेंजिंग होते हैं, विंटर चैलेंजिंग सीजन है फॉर मैनी जिनको ठंड आते के साथ ही जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, पेनफुल मसल्स हो जाती हैं और हम दौड़ पड़ते हैं उन दवाइयों के पीछे जिनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइट द वे ऑफ लाइफ एक ऐसा चैनल है जो हर बार कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्दी और आपकी वेलनेस के लिए लेके आता है। तो चलिए बात करते हैं उस दर्द की जिसकी शुरुआत हमने आज बातचीत करी थी, जॉइंट पेन। जॉइंट पेन किसी भी कारण से हो सकता है, उसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, इंजरी से लेके आर्थराइटिस तक, और ये डे टू डे लाइफ हमारी अफेक्ट करता है। जॉइंट पेन एलिवेट होना, इन्फ्लेमेशन बढ़ना, बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन होना, उससे बचने के लिए आज हम लेके आए हैं नेचुरल रेमेडीज। वो नेचुरल रेमेडीज जो कि गुड बाय करेंगी उन कॉस्टली पेनफुल मेडिसिन को, जो कि कॉस्टली तो है ही साथ में आपकी बॉडी पे गलत इफेक्ट भी दिखाती हैं। फ्रॉम नी पेन रेमेडी टू होम रेमेडीज फॉर आर्थराइटिस, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन हैं जो कि हमारे डिस्कम्फर्ट को दूर करते हैं और हीलिंग को प्रमोट करते हैं। तो क्यों दें हम पैसा उन महंगी दवाइयों में जिसका असर एक तरफ जो हमारा दर्द तो कम कर रही है लेकिन असर हमारे ऑर्गन्स पे दे रही है। तो चलिए आज हम अपनी किचन का एडवांटेज लेते हैं, वो किचन जिसमें हर चीज का इलाज है, वो उसमें पावर ऑफ हीलिंग है। तो किचन से सबसे पहले हमने उठा लिया है कोल्ड कंप्रेस्ड ऑलिव ऑयल। कोल्ड कंप्रेस्ड ऑलिव ऑयल मसाज जो है, अगर आप दिन में दो बार करते हैं तो अपने पेनफुल एरिया पे, जिस भी एरिया में आपको पेन है, तो 1.5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल जो है वो इफेक्ट दिखाता है 200 मिलीग्राम ऑफ आइब्यूप्रोफेन का जो आप खाते हैं। ऑलिव ऑयल से साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो ब्रूफिन आइब्यूप्रोफेन आप खा रहे हैं उससे आपको आपके ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपना दर्द दूर कर सकते हैं। दूसरा है जिंजर एक्सट्रैक्ट। कुछ स्टडीज कहती हैं कि जिंजर जो है उसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, वो कब करता है पेन कॉजिंग केमिकल्स को। अगर हम जिंजर को यूज करते हैं हॉट कंप्रेस फॉर जॉइंट पेन, तो वो हमारा दर्द दूर करता है। अब करना क्या है चलिए देखते हैं। एड हाफ अ कप ऑफ फ्रेश ग्रेटेड जिंजर टू 2 कप ऑफ वाटर और उसे बॉइल कीजिए। सिमर होने दीजिए 5 मिनट तक। फिर एक साफ कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को पानी में सोक कर दीजिए जिंजर वाटर में, और 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। 15 मिनट छोड़ने के बाद में जब आप हीट ऑफ कर देंगे, कपड़े को अच्छे से निचोड़िए और उस कपड़े को जो भी पार्ट आपका पेनफुल है वहां पे तब तक लगा के रखिए जब तक कि कपड़ा ठंडा नहीं हो जाता। तो ये था हमारा तरीका जिंजर को यूज करके किचन में से और आपका पेन जो है वो दूर करने के लिए। दूसरा तरीका सेंधा नमक। हम सब व्रत में खाते हैं लेकिन इस सेंधा नमक में भी हमारे जो जॉइंट पेन को दूर करने की ताकत है, बिकॉज इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है। ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है सेंधा नमक में, वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू स्किन और रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। तो अब करना क्या है, एड हाफ अ कप ऑफ सॉल्ट एक गर्म पानी में डाल दीजिए और जो भी एरिया आपका दर्द हो रहा है वहां पे गील उस कपड़े को सोक करके वो नमक के पानी में और जॉइंट्स पे रख लीजिए, आपका दर्द दूर हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल जॉइंट्स में है तो बेटर है
कि आप अपने बाथ टब में 2 cups ऑफ सॉल्ट वाटर डालें, वार्म वाटर से उसे भर लें और आप सॉल्ट बाथ लीजिए। ये एक तरीका है जिससे आपका जॉइंट पेन, आपके बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है तो वो खत्म हो जाएगा। मेथी, दाना मेथी एक ऐसा चीज है जो आप खाने में खाएं तो भी आपको फायदा है, आप उसको घर में किसी पर्टिकुलर तरीके से यूज कर रहे हैं उससे भी आपको फायदा है, डायबिटीज में आपको उससे फायदा है, गैस्ट्रिक इश्यूज में फायदा है, जॉइंट पेन में भी फायदा है। आपने बहुत बार सुना होगा सर्दियां शुरू हो गई, मेथी के लड्डू दादी बना रही है, नानी बना रही है। सो करना क्या है, 2 tablespoons ऑफ फेनोग्रीक आप ओवरनाइट सोक कर लीजिए, छान लीजिए, उसका पानी आप डेली मॉर्निंग में खाली पेट पीजिए, जो सीड्स हैं उसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए और आपके अफेक्टेड एरिया में उसे लगाइए। फेनोग्रीक सीड, मेथी सीड्स जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है उसमें, तो ये एक तरीका है आपको दर्द दूर करने का। घर में बहुत सारे मसाले होते हैं, पेपर है, जिंजर है, टर्मरिक है, आप के जो स्वेलिंग है, ब्लॉक ब्रेन केमिकल्स हैं जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं उनको खोलेंगे। अगर आपके पास ये स्पाइसेस हैं आप उनको रेगुलर मील में यूज कीजिए, करीज में डालिए, राइस को फ्लेवर कीजिए, आप रसम भी बना सकते हैं, आप शोरबा भी बना सकते हैं, तो उसमें जिंजर, पेपर, टर्मरिक जरूर यूज कीजिए। सनबाथ एक तरीका है जो कि आपके पेन को रिलीव करता है, आपकी बॉडी को सूदिंग इफेक्ट देता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये बहुत हेल्प करता है। तो एक सिंपल 15 minutes की वॉक भी आपने मॉर्निंग आवर्स में 15 minutes कर ली तो आपकी बॉडी जो है वो विटामिन डी से भरपूर हो जाएगी। और ये करना कब है, अर्ली मॉर्निंग सन सोकिंग इन द रेज, जो कि सिंथेसाइज करती है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन डी। अब एक और चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे, मेक अ जॉइंट पेन रिलीविंग रब। यहां पर आपको करना क्या है, यहां पे आपको 3 से 4 गार्लिक लेने हैं, मस्टर्ड ऑयल को 3 से 5 minutes गर्म करना है, उसमें गार्लिक डाल देना है, जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाता उसे तब तक पकाना है, और आपका मसाज ऑयल घर में रेडी है और ये इफेक्टिव भी है। सरसों का तेल बॉडी पे लीजिए, लगाइए, वो गर्माहट देता है, गार्लिक भी आपकी बॉडी को गर्माहट देगा, तो बस देर किस बात की है। Include omega-3 fatty acid in your diet, make a difference in managing pain. Studies बताती हैं कि omega-3 fatty acid जो है ना केवल आपका inflammation reduce करता है बल्कि एक important role play करता है in regulating the immune system. Seeds like जैसे flax seeds है, chia seeds है, walnut nuts में ये good source of omega-3 fatty acid है। करना क्या है, simple इन चीजों को अपने salads पे, अपनी smoothies में add कर दीजिए। एक टमाटर काटा, कैप्सिकम काटा, कुछ बेसिल लीव्स डाली, थोड़े से वॉलनट डाले, थोड़ी सी फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स डाली, बन गया आपका सैलेड। लेमन जूस डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा ऑयल, टॉस कीजिए, आपकी omega-3 रिच सैलेड रेडी हो गया। ग्रीन टी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, ये जाना जाता है हाईली इफेक्टिव इन कॉम्बैटिंग द पेन, स्पेशली आर्थराइटिस। 2 से 3 cups ऑफ ग्रीन टी आपको पेन से रिलीफ दिलाती है। अब पता है क्या कि वजन बढ़ा हुआ जो होता है वो भी हमारी बॉडी के जॉइंट पेन्स और मसल्स पेन का कारण है, तो जरूरत है आपको वजन लूज करने की जिससे कि आपकी बॉडी पे लोड ना पड़े, प्रेशर ना पड़े। सिंपल एक्सरसाइज करिए जिससे कि आपका हिप पेन कम हो, नी लिफ्ट कीजिए, लाई ऑन योर बैक, ब्रिंग वन नी अप देन क्लोजर टू योर चेस्ट, प्लेस बोथ योर हैंड्स ऑन द नी एंड पुल इट टू योर चेस्ट, इस तरीके की पोजीशन आप 10 मिनट तक रखिए, स्ट्रेचिंग करिए, मसल्स इंप्रूव स्ट्रेच होंगी, आपकी मोबिलिटी इंप्रूव होगी। प्राइस PRICE, अगर आपको
आपका पेन जो है वो स्प्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो केवल प्राइस ही है जो आपको हेल्प करेगा। प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। अगर माइल्ड स्प्रेन है, चलिए एक बार और बता देती हूँ प्राइस। पी फॉर प्रोटेक्ट, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन। इफ देयर इज अ माइल्ड स्प्रेन, रेस्ट द लेग इन एन एलिवेटेड पोजिशन, कोल्ड कंप्रेशन यूज कीजिए अफेक्टेड एरिया पे जिससे आपकी स्वेलिंग जो है वो कम हो जाए। ये रेमेडी जो है वो हेल्प करती है ट्रीटमेंट ऑफ नी पेन एट होम और फ्रोजन शोल्डर्स लाइक कंडीशन में। हल्दी, हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का जो मेजर कंपोनेंट है वो उसमें एक ताकत होती है, एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड है। ये हेल्प करता है जॉइंट पेन से रिलीफ दिलाने में, इन्फ्लामेशन दूर करने में। अब करना क्या है, मैंने एक वीडियो में और दिखाया था, एक कप दूध में एक छोटी चम्मच हल्दी डाल लीजिए, उसे बॉईल कीजिए और रोज रात को पीजिए। आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, आप उसमें थोड़ा हनी ऐड कर सकते हैं, या फिर एक कप दूध में एक छोटी चम्मच हल्दी, एक चौथाई अदरक और थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डालिए, बॉईल कीजिए, सिमर कीजिए और उसको उसमें फिर आप हनी ऐड करके वार्म गुनगुना पीजिए। ये रेमेडी आप डेली फॉलो कीजिए जिससे कि आप टाटा बाबाए कर सकें पेनफुल जॉइंट्स को। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हैवी फूड एक एट ए टाइम मत खाइए, वेयर प्रॉपर फुटवेयर, क्योंकि गलत तरीके का फुटवेयर पहनना भी एक कारण है जॉइंट पेन या मसल पेन का। तो फुटवेयर जो है वो आपको एक्यूप्रेशर से के साथ अगर कर है उसमें तो इट हेल्प टू रिलीव द पेन फ्रॉम आर्थराइटिस, नेक पेन, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं वो उन पे प्रेशर पड़ता है, वो दबते हैं। एप्पल साइडर विनेगर, नी डिस्कम्फर्ट जो है वो एप्पल साइडर विनेगर से भी ठीक होता है। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो अल्कलाइजिंग फंक्शन करता है और हेल्प करता है उन मिनरल बिल्डअप्स को रिमूव करने के लिए जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। ये हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द डिस्कम्फर्ट, इम्प्रूव द मोबिलिटी। दो कप ऑफ वार्म वाटर लीजिए, दो टीस्पून ऑफ एप्पल साइडर उसमें डाल लीजिए और इसको एक टॉनिक की तरह पूरे दिन पीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। तो जिंजर हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, टर्मरिक हुआ, इवन अ कैम्फर ऑयल, ये सब भी बहुत हमें हेल्प करते हैं जॉइंट पेन और इन्फ्लामेशन से दूर रखने के लिए। तो होप करती हूँ कि मेरे वीडियो को देखते देखते जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक फिंगर सब्सक्राइब बटन पे जरूर दबाएंगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। दिस इज द वे वी लिव अवर लाइफ, टाटा द वे ऑफ लाइफ।